अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद असद परवेज़ है। मैं कंसल्टेंट ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जन हूँ शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल में। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ आजकल चल रहा है, अक्टूबर का महीना हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है टू टेल पीपल एंड सब लोगों को बताने के लिए कि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा मर्ज है जो कि अगर इसको अर्ली पिक कर लिया जाए, अर्ली उसको डिटेक्ट कर लिया जाए तो ये कम्प्लीटली ट्रीटेबल मर्ज है। पहले ये इतना ज़्यादा कॉमन मर्ज नहीं था, लेकिन अब आजकल यूरोप में 1 in 8 वुमेन उनको ब्रेस्ट कैंसर का मसला होता है। इसी तरह पाकिस्तान में आके भी मुझे यही नज़र आया कि यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत कॉमन है, बहुत से लोगों को है ये। और इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर जल्दी अगर पिकअप हो जाए, अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। अगर इसको लेट हो जाए, जैसे स्टेज 4 डिज़ीज़ हो जाए, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं है, फिर उसकी पेलिएटिव ट्रीटमेंट है। तो मेरा मैसेज यही है सब ख़वातीन को कि बी अवेयर ऑफ़ योरसेल्फ, कि अगर आपको कोई सिम्टम्स हों, कोई साइंस हों, तो उनको डिले ना करें, उनको फ़ौरन उनको चेकअप करवाएं, उसको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको फेस करें, उसको ट्रीट करवाएं। ब्रेस्ट कैंसर में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि खासतौर पर हमारे कल्चर में, पाकिस्तान में, इसमें शाइनेस बहुत कंसिडर की जाती है कि अगर किसी खातून को अगर कोई लम्प फील होता है तो दे कीप इट टू देमसेल्फ, उसको किसी जो इसकी जो उसकी डिटेक्शन और ट्रीटमेंट के लिए जो उनको किसी से बात करनी चाहती है ज़रूरी होती है वो नहीं करते। तो हम सजेस्ट करते हैं कि इसको जल्दी पिक करने के लिए, अर्ली डिटेक्ट करने के लिए उस शाइनेस को दूर किया जाए। ख्वातीन ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे किसी बाहर किसी जगह पे आके बताएं, अपने घर में फैमिली में जिक्र करें, फिर आके अपने फैमिली डॉक्टर, यहाँ पे हमारे अर्ली डिटेक्शन सेंटर हैं, वन स्टॉप क्लिनिक हैं, यहाँ पर आएँ, सब प्रोफेशनल सर्विसेज अवेलेबल हैं। जितना अर्ली डिटेक्ट हो सके उतना ही इसमें अच्छा रिज़ल्ट और लॉन्ग टर्म उसका फ़ायदा है। थैंक यू सो मच।